आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 16 में। मैं प्रदीप कौशिक। दोस्तों, इंडिया न्यूज 16 की टीम पहुंची हुई है आज अपने महेंद्रगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिर बागेश्वर धाम, जहां भोले बाबा का मंदिर है। बहुत ही विशाल काय मंदिर है और आज यहां पे हम पहुंचे हैं आपको बताने के लिए कि यहाँ पे क्या चला हुआ है। दोस्तों, कुछ 2-3 साल पहले यहाँ पर चोरी हो गई थी, तो करोड़ों की जो संपत्ति थी, जो बाबा का श्रृंगार का सामान था, वो चोरी हो गया था। तो आज यहाँ जो रोशनपुरी महंत जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि उस चोरी के बाद यहाँ पर कैसा क्या चल रहा है, और वो चोरी रिकवर हुई या नहीं, चोर पकड़े गए या नहीं, और इस मंदिर जो लॉकडाउन चला हुआ है इस दौरान इस मंदिर का क्या हाल है, कौन इसका ध्यान रखता है, किस प्रकार से यहाँ का काम चला हुआ है, इन सब बातों से आपको अवगत करवाएंगे। इस मंदिर में जो हम कांवड़ लेके आते हैं वहाँ हरिद्वार से, वो कांवड़ हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रावण मास में लाके चढ़ाई जाती है भोले शंकर को, गंगा जल से वहाँ लेके आके वहाँ से यहाँ भक्तजन उनको नहलाते हैं, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल बनता है, और साल में 2-3 बार यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है, और साथ ही यहाँ पर गायों को रखने के लिए गौशाला भी बनाई गई है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में गाय हैं। देखते हैं यहाँ पर महंत जी की रिपोर्ट। साथियों, अब हम पहुँचे हैं जो हमारे ये जो मंदिर का जो मेन महंत यहाँ पे बाबा रहते हैं, उनका जो कक्ष है जहाँ पे वो विश्राम करते हैं, उस कक्ष में, उस रूम में हम पहुँच चुके हैं, और उनसे हम बातचीत करते हैं और आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। तो आइए मिलते हैं महंत जी से। जी जी बाबा जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 16 में। भाई, हमारे धाम की तरफ सभी को नमस्कार। तो महंत जी, ये बताइए, अब काफ़ी दिनों से जैसे लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना महामारी फैली हुई है, तो जैसे मंदिर बंद है, तो इस विषय में जो गांव वाले हैं वो आप लोगों का प्रॉपर ध्यान रखते हैं या नहीं, आते जाते रहते हैं या नहीं, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, गांव वाले तो यहाँ कोई नहीं आता, कोरोना चक्कर में कोई आता जाता नहीं है यहाँ पर। हम हमारी 5-10 जो भी रहते हैं वही आरती पूजा करते हैं हमारी। ये यहाँ का सबसे पुराना भोले बाबा का मंदिर है, तो इसके बारे में कुछ खास बातें हैं, उनके बारे में जो दर्शक हैं उनको अवगत करवाएं। खास बातें, यहाँ हमारे शिवलिंग कुदरती लकड़िया हुआ, नीचे जमीन से कोई अंत नहीं। अच्छा, जो शिवलिंग है उसका नीचे तक कोई अंत नहीं है। तो बाबा, ये लगभग कितने साल पुराना मंदिर है अपना? ये लगभग 1600-1700 वर्ष पुरानी जो गुम्बद थी बाबा के ऊपर वो थी। तो बताया जाता है कि कुछ 2-3 साल पहले यहाँ पर चोरी हो गई थी बाबा के मंदिर में, तो तब क्या क्या चोरी हो गए थे यहाँ से बाबा? यहाँ पर वयाभूषण थे बाबा के, पूजा का श्रृंगार, चंवर, आरती, टाली जो भी थे, नाग देवता था, सोने का, काफ़ी करोड़ों की जो धन संपत्ति थी वो चोरी हो गई थी। तो उस चोरी के बाद जो हमारी सरकार है, प्रशासन है, उसने क्या एक्शन लिया बाबा? सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, बस ये सब बदमाशी सरकार ही करती है, और चोर चोरी कर ले मंत्री का तो फट दे पकड़ ली, आराम मंदिर में हो जा, कोई ना पूछा उसने पैसा मांगे ही दो। चोरी आई थी, उन्होंने आपको क्या कहा था इस चोरी के बारे में? इस चोरी के बारे में ये कहा था, हमारे सिक्योरिटी की मांग करी थी, हमारे बाद में कईयों गांव में झूठी साची गोली गाड़ी चलाए गए, उनका कमर्शियल की सिक्योरिटी के लिए तैयारी कर दी, उनकी सिक्योरिटी दे दी उनको, और हमारे को डाका पड़ गया करोड़ों का, कोई सिक्योरिटी नहीं, हम सरकार के पीछे पीछे भाग्य अंडे, तो ये पैसे का ही चक्कर है, जाते थे तो आंख दिखाते थे। अच्छा, अभी तक चोरी होने के बाद अब 2-3 साल गुजर गए, कोई सिक्योरिटी नहीं मिली यहाँ पर? कोई सिक्योरिटी नहीं मिली, पीछे भी गाँव में आम आदमी को आपस में गोली चला के सिक्योरिटी ले ली, उनको अब तक सिक्योरिटी है, हमारा करोड़ों का माल गया, हमारा कोई प्रशासन सुनाई नहीं करता, जाते हैं तो आंख दिखाते हैं, ये पैसे लेने का ही चक्कर है, क्यों हमारे पास थे उनको लूट ले गए, कुछ हैं उनको और लूट ले जाएंगे। अच्छा बाबा जी, ये बताइए कि आप लोग वहाँ पर प्रशासन के पास गए थे चोरी के बाद, तो क्या उन्होंने खुले में आपसे पैसे की मांग की थी या कुछ आपको प्रतीत हुआ है? खुले में तो भाई वो भी तो आप शर्म मानने ही, खुला हम कित मानने ही, मेरा पीछे आपस में दंगो करके गोली चला के कमर्शियल को आप उन्होंने सिक्योरिटी बनवा ली 2-3 छोरा की, और उरे उन तो पहले डाको पड़ो करोड़ों को, उरे हम पीछे पीछे सरकार का अंडा, डिस्ट्रिक्ट का, एसपी का, हमारी कोई सुनाई नहीं करता, एक पीछे की लेडीज थी
आँख और दिखाती है हमारे को, ना पूछने की बात कोई। यहाँ भाई महंत जी आए इतने बड़े धाम से, कोई हमारी इज्जत नहीं करता। अब लॉकडाउन है, अब क्या इज्जत है? अब कोई नू नहीं बताता भाई, प्रशासन का आदमी आ गया, ये व्यवस्था करो, ये करो, वो नहीं करो, कोई चक्कर नहीं, कोई पूछने का नहीं, कोई बूझने का नहीं। बाबा भूखा बैठा है या खा रहा है कुछ लॉकडाउन के तरफ से, क्या पूछा? हमारे पास 500 तो गाय हैं, कोई पूछने नहीं आया। यहाँ ताला लगवा दिया मंदिर को, लीची ये तक नहीं बोलता भी खोल लोग नहीं खोल लोग, बंद रखना है कोई। अब आपके बात आ रही होगी 500 गाय यहाँ पर हैं, तो उनके चारे की व्यवस्था कोई नहीं करता? चारे की व्यवस्था तो हम ही करते हैं, प्रशासन तो कोई पूछने नहीं आया। बाबा कैसे बैठे हो भाई? हमारा यहाँ डीसी हूँ मैं, एसपी हूँ, डीएसपी हूँ, बाबा कोई परेशानी कोई दिक्कत क्या बात है? नहीं, हमारी डाके के हमने तो छोड़ दिया इनको, मान ले कोई चक्करबाजी नहीं इनका, जो हो रहा हमारे से जो ठीक हो रहा है हम कर रहे हैं अपने आप। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, तो हम चाहते हैं कि जो प्रशासन है वो मंदिर पर अच्छे से ध्यान दे, और यहाँ पे जो भी एक्टिविटी हो रही है, जैसे चोरी हो गई थी तो उसका अच्छे से खोजना चाहिए था उसको, कि भाई किसने चोरी की, और आगे चोरी न हो ऐसा कुछ समाधान या सिक्योरिटी कुछ मंदिर को देना चाहिए था, क्योंकि ये हमारा बहुत ही प्राचीन मंदिर है। जैसे कि महंत जी ने बताया के लिए पीछे पीछे डोले हूँ मैं तो, जैसे कि महंत जी ने बताया कि यहाँ पर जो शिवलिंग है उसका कहीं तक कोई अंत नहीं है, और महंत जी बता रहे हैं कि मैं सिक्योरिटी के लिए काफ़ी बार घूमा हूँ। ये कहाँ कहाँ गए आप? हम महेंद्र का डीएसपी गए, डीसी का कोई सुनाई ही नहीं करता, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि देंगे या नहीं देंगे, बस नू ही दिलासा देते हैं करेंगे करेंगे, झूठी बकवास करते हैं, चक्कर काटते रहो उनको, करना तीन साल हो गए, तीन साल हो गए, इतना वो फाइल रद्द हो जाएगी फिर क्या करेंगे, फिर हमने छोड़ ही दिया उस चक्कर को। अब दो तीन साल हो गया अब तक नहीं किया, तब आपने जाना छोड़ दिया। तो ये हमारी सरकार से प्रशासन से गुहार है कि जो हमारा ये प्राचीन मंदिर है इसको इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए, और यहाँ पर सिक्योरिटी प्रदान की जाए, जिससे कि जो हमारी प्राचीन सभ्यता है वो आगे तक चल सके। ये नहीं कि यहाँ पर चोरी हो जाए, धीरे धीरे चोरी होती रहेगी तो हमारा मंदिर समाप्त हो जाएगा, फिर ये जो भोले बाबा हैं इनकी मान्यता कहाँ रहेगी? जब प्रशासन ही ध्यान नहीं देगा तो ध्यान देगा कौन? देखते रहिए इसी प्रकार से इंडिया न्यूज़ 16। धन्यवाद।